तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉक टेक। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखते होंगे कि काफी लोग जो है नए नए तरीके ढूंढते हैं फ्रॉड करने के। जैसे कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, तो इस तरह से भी लोग फ्रॉड कर लेते हैं। फेसबुक के द्वारा भी लोगों से फ्रॉड कर लेते हैं, व्हाट्सएप से भी फ्रॉड कर लेते हैं, और किसी का नाम यूज करके भी वो फ्रॉड कर लेते हैं। जैसे कि अभी काफी टाइम पहले जो है ओलेक्स का भी काफी फ्रॉड चला है फ्रेंड्स, कि मैं आर्मी का बंदा बोल रहा हूँ, मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ, तो इस तरह से भी वो जो है आर्मी का बंदा बनके भी फ्रॉड कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें फ्रॉडिंग होती है। और साथ ही साथ मार्केटिंग में एक नया फ्रॉडिंग और जुड़ गया फ्रेंड्स, एपीएस का फ्रॉड। जी हाँ फ्रेंड्स, जहां की आपको एपीएस कंपनी खोल लेते हैं, नए नए लालच देते हैं कि भाई हम इतना कमीशन देंगे, हम इतना कमीशन देंगे, तो जब आप उसमें काम करते हैं फ्रेंड्स, जब आपके वॉलेट में 1-2 लाख रुपया हो जाता है, तो आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है, कि आपके वॉलेट से पैसा भी कट कर लिया जाता है, और जिसकी कोई पता ही नहीं लगता कि वो कैसे कट हुआ, क्यों कट हुआ, और कंपनी को कॉल करे तो आपका नंबर ही ब्लैकलिस्ट में पहुंचा दिया जाता है। और साथ ही साथ ये लोगों में जो है फ्रेंड्स आईडी के नाम पे जो है फ्रॉड कर लेते हैं कि भाई आप पैसा दे दो, हम आईडी दे देंगे। तो इस तरह से भी काफी फ्रॉडिंग चल रही है, काफी ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो इन सबकी आप कंप्लेन कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यही सब चीजें मैं बताऊंगा फ्रेंड्स आपको। पर कंप्लेन करने से पहले फ्रेंड्स आप एक बात जरूर जान लीजिएगा, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एविडेंस होना चाहिए यह चीज साबित करने के लिए कि हाँ इस कंपनी ने या इस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरे पास ये सारे सबूत हैं। तो सारे सबूत आपके पास होंगे तभी आप कंप्लेन करिएगा। अगर अधूरी जानकारी लेकर, अधूरे सबूत लेकर कंप्लेन करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो सकता है फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स हम बताएंगे कि कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो रॉक टेक फ्रेंड्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल में cybercrime.gov.in करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका कोई डैशबोर्ड है जहाँ पे हम कंप्लेन करेंगे, और यहाँ पे जो है साइबर क्राइम के बारे में दे रखा है। फ्रेंड्स आप ज्यादा चाहो तो लर्न अबाउट साइबर क्राइम बारे में पढ़ सकते हो, और कोई फाइल कंप्लेन करनी है तो फ्रेंड्स फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप जो है कंप्लेन हो जाएगी फ्रेंड्स। और नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो फ्रेंड्स कुछ मीडिया गैलरी दे रखी है, और यहाँ पे आपको जो है तरह तरह की ईमेल स्कैमिंग और आपको आइडेंटिटी थीफ अदर वगैरह वगैरह काफी सारी ऑडियो दे रखी है। और फिर व्यू मोर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स हमें जो है काफी ऑडियो मिल जाएंगी कि लोग किस किस तरह से जो फ्रॉड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी काफी जो है इसकी जो है ऑडियो है फ्रेंड्स, आप इनको जो है अगर आप इस पोर्टल पाए या इस वेबसाइट पाए तो आप इस ऑडियो को जरूर सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा कि किस किस तरीके से जो हमारे साथ साइबर क्राइम हो सकता है या सिर्फ हमारे साथ जो है फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं पोर्टल की, हमें कैसे इसमें कंप्लेन करनी है, तो फ्रेंड्स सीधा जाएंगे हम फाइल ए कंप्लेन पे। तो यहाँ पे हम फाइल ए कंप्लेन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है ये दे रखा है कि इसके बारे में अगर आप कंप्लेन करें तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, आप गलत जानकारी लेके जो है कंप्लेन ना करें। तो इस तरह से इसमें बता रखा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे, और जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दो कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है, रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड। अगर आपको वुमेन या किसी चाइल्ड के अगेंस्ट, यानी कि जैसे किसी बच्चे पर अत्याचार हो रहा है, वुमेन के साथ कोई अत्याचार हो रहा है, तो आप यहाँ पे कंप्लेन करेंगे। अगर रिपोर्ट एनालाइज, अगर अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, और आप अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं तो रिपोर्ट एंड ट्रैक पे क्लिक करेंगे। और आपको चाइल्ड वुमेन से अलग अगर कोई साइबर क्राइम पे अगर रिपोर्ट करनी है, जैसे आपके साथ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या किसी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, या फिर डाटा एंट्री की जॉब वगैरह जो चलती रहती है कि हम आपको इतना देंगे, वो मोस्टली अगर बताऊं तो फ्रेंड्स वो फ्रॉड ही होती है। अगर उसके रिलेटेड आपको जब ब्लैकमेल करता है कि आप इतना पैसा दो नहीं तो आपके साथ हम इलीगल एक्शन लेंगे, ये लेंगे, वो करेंगे, तो दुनिया भर की बातें करती है फ्रेंड्स, उन सभी के लिए अदर कंपनी के लिए एपीएस जो फ्रॉड कर रही है, कंपनी जो एपीएस यूज करते हैं उनके साथ फ्रॉड कर दिया है कंपनी ने, पैसा ले लिया या पैसा कट लिया, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम जाएंगे रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पे। तो यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पे, तो इस तरह से हमारे सामने जो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो है हमें स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे अपना यूजर नेम यानी कि अपना नाम डाल देना, तो यहाँ पे मैं अपना नाम फिल कर लूंगा, और यहाँ सीधा अपना जो है मोबाइल नंबर फिल कर लेना और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने अपना स्टेट, अपना नाम और यहाँ पे अपना जो है मैंने मोबाइल नंबर फिल कर दिया, और यहाँ पे मैं गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स मैं गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे ओटीपी जाएगा, और मैं ओटीपी यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपना ओटीपी यहाँ पे फिल कर लिया, और यहाँ पे जो है ये जो कैप्चा दे रखा है
कि 30+1 इसको हमें जो है ऐड करके बताना है कितना हुआ, उसके बाद सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आईडी बन जाएगा और हम जो है आगे के लिए प्रोसेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हम आगे जाते हैं तो अब फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पे अब देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी कंप्लेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने के मिल जाता है ऑनलाइन सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग, ऑनलाइन साइबर ट्रैकिंग, काफी तरह की जो है कंप्लेन यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। पर फ्रेंड्स जो एपीएस वगैरह वाले होते हैं वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में आते हैं, तो मैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में क्लिक करता हूं और यहां पे हमें सब कैटेगरी जो है सेलेक्ट करनी है कि हमारा जो किस तरह से जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे कि बिजनेस ईमेल से फ्रॉड हुआ है या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हुआ है या डीमैट डिपॉजिट फ्रॉड से हुआ है या फिर ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड कॉल या इंटरनेट बैंकिंग से फ्रॉड हुआ है, तो काफी कैटेगरी है फ्रेंड्स। तो जो हम एपीएस चलाते हैं वो ई वॉलेट का होता है क्योंकि वहां पे जो है ई वॉलेट ही होता है, तो हमें ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड करना है। तो फ्रेंड्स जैसे हम ई वॉलेट रिलेटेड फ्रॉड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हैव यू लॉस्ट मनी, यानी कि आपका पैसा चोरी हुआ है, तो अगर भाई पैसा चोरी हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे फ्रेंड्स हम क्लिक कर देते हैं तो नेम ऑफ वॉलेट कि किस कंपनी के वॉलेट से आपका जो है पैसा चोरी हुआ है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी और यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन डेट, कब ट्रांजेक्शन डेट आपकी हुई है, और सेलेक्ट कैटेगरी कर लेंगे किस बैंक से आपका जो है यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आपको बैंक नहीं मिलता है तो आप अदर पे क्लिक कर देंगे और अदर पे क्लिक करके फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ई वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद लॉस्ट मनी हुआ तो आपका जो पेमेंट गया है फ्रेंड्स नेम ऑफ वॉलेट उसका वॉलेट का नेम डाल देंगे किस वॉलेट से आपका पैसा गया है, ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ पे अपनी जो ट्रांजेक्शन डेट फिल कर देंगे, यहाँ पे फिर जो है किस बैंक अकाउंट जो कौन सा मोड था फ्रेंड्स, जो मोड था वो अदर कर देंगे नहीं है तो फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स उस कंपनी का नाम लिख देंगे कि जिस कंपनी के द्वारा आपने जो मोड किया है यानी कि एपीएस से किया, जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना जो है अकाउंट नंबर या अपनी वॉलेट आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिखा रहा है किस कंपनी में आपने पेड किया है तो वो कंपनी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अदर के बाद उस कंपनी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, और किस अकाउंट में पेड किया है तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स कि किस कंपनी का उसमें पेड किया है और क्या मेथड था फ्रेंड्स, किस मेथड से आपने जो है पेमेंट किया है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस तरह से फिल कर देंगे और उसके बाद जो आप कंप्लेन कर रहे हैं फ्रेंड्स वो डेट हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर जैसा कि मैं आज ही कंप्लेन करूं तो मैं यहाँ पे आज की डेट डाल देता हूँ और आज का ही मैं जो है टाइम यहाँ पे फिल कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है कि किसके द्वारा आपके साथ जो है फ्रॉड हुआ है। तो मेरे साथ तो भैया जो एपीएस वगैरह चलती है वो जो है वेबसाइट के यूआरएल पे काम करती है, तो यूआरएल हम वेबसाइट का सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज किसी और चीज से हुआ तो आप और चीज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम लिख देंगे जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी की वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है एविडेंस सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है मीडिया इमेज पीडीएफ जो भी आपके पास हो फ्रेंड्स वो अपलोड कर सकते हैं, जो आपके पास एविडेंस है जिससे आप साबित कर सको कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो यहाँ पे मैं चूज फाइल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पीडीएफ फाइल ले लेता हूँ कोई भी और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको और एक्स्ट्रा कोई और चीजें भी ऐड करनी है तो फ्रेंड्स आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊं तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आप ऐड कर सकते हैं जो भी आप क्लिक करना है, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जैसे भी है आप फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से ऐड करने के लिए फाइल आ जाएगा, तो आप खुद से भी यहाँ पे जो 2-4 फाइल 5 फाइल आप जैसे चाहे वैसे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना कि आपके साथ कैसे कैसे हुआ, सीधा अगर बोलना कि भाई मैं ऐसे इस एपीएस का काम करता था, ऐसे मैं विड्रॉल करा था, जो भी आपके साथ घटा है फ्रेंड्स जैसे भी घटा है वो आप यहाँ पे जो है फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया और यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर आपको जिस बंदे के नाम पे आप कंप्लेन कर रहे हैं उसका नाम पता है तो यहाँ पे नाम क्लिक कर देंगे जिस कंपनी से भी आप कर रहे हो और यहाँ पे आप उसका एक बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल, जो भी आपका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी, अदर जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ हो तो वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे और यहाँ पे उसका आईडी नंबर यहाँ फिल कर देंगे और यहाँ पे सिंपल कर देंगे ऐड। अगर आपको यहाँ पे जो है उसका कोई अपलोड है, डॉक्यूमेंट है तो आप फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे और उसके बाद अगर आपको उसका एड्रेस भी पता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे यस करके आप उसका जो है एड्रेस भी फिल यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, ये सारी चीजें फिल कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है कंप्लेन डिटेल्स, तो यहाँ पे आप अपना नाम, जो भी आप जिसके द्वारा कंप्लेन कर रहे हैं, आपने कंप्लेन किया तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो अगर आप खुद से कंप्लेन करें तो सेल्फ कर लेंगे और जिसकी कंप्लेन करें जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आपके रिलेशन में क्या लगती है आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके मदर के साथ या फादर के साथ फ्रॉड हुआ है तो आप यहाँ पे फादर
क्लिक कर देंगे, नहीं तो अगर आप खुद से कर रहे हैं, खुद का कंप्लेन है तो सेल्फ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे और यहाँ पे अपना जो है आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर देंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो अपना एड्रेस फिल कर देना है। तो ये सारी चीजें फिल करके मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो अपनी डिटेल सारी फिल कर दी है और फिल करने के बाद सीधा मैं सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स मैं सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा टोटल फॉर्म यहाँ पे फिल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने सारी चीजें अपनी यहाँ पे फिल कर दी है और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन दी वो करेक्ट दी है, सही दी है। तो हम यहाँ पे सिंपल आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप बैक जा सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं और आपको ये कंप्लेंट अपने पास रखे तो डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं और बाकी सारी चीजें ठीक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपका जो एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स कि कैसे हम साइबर क्राइम पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं और कैसे हम जो इसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आपने कंप्लेन कर दिया तो आपका इस एक्शन पे या इस रिपोर्ट पे जो है आपका एक्शन नहीं होगा। अगर आपने साइबर क्राइम पे अगर ऑनलाइन कंप्लेन की है फ्रेंड्स तो आपका 101% जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लोगों को शेयर कर देना और वीडियो को कर देना लाइक और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो रॉक टेक प्रिंस को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों फिर मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।